आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं जरा इसको समझिए। तीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी निपट चुकी है टोटल, है ना। हम लोग आज फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को सुन ले बच्चे, अभी बंद कर दो सब मेरी बात। आपको पहले पता होना चाहिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होती है, सारा मसला क्या है, क्योंकि यही हमारी प्रॉपर्टी है। मैंने आपको तीन प्रॉपर्टी पढ़ाई, मैं एक बार रिकॉल करता हूँ। एक तो पढ़ाई थी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, जिसमें चीनी डालने पर कितना वेपर प्रेशर में कमी आती है, पी नॉट ए माइनस पी एफ पी नॉट इक्वल टू वाला, ठीक है। एक आपको पढ़ाई थी बॉइलिंग पॉइंट की, एक पढ़ाई थी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट की, और एक आज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। बस आपको ये समझनी है, इनके फॉर्मूले लगाने, इनकी सवालों की प्रैक्टिस हम लोग चैप्टर खत्म होते ही दोबारा से करेंगे। एक एक दो मैं करवा रहा हूँ आपको, नोट्स लाते कितने थे बेटा, एंटी फ्रीजिंग करवा, एंटी फ्रीजिंग, ठीक है, मैं इसके बाद लिखवा दूंगा आपको। अब सुनिए, तो ऑस्मोसिस क्या होता है पहले आपको समझना है। आज मैं लगभग आपको प्रयास करूंगा कि पूरा चैप्टर खत्म कर दूं, आज ये हो जाएगा, लिख नहीं पाएगा, लिखने में एक दो क्लास और लगेंगी, ठीक है। आप समझते जाइएगा, बस हम आखिरी टॉपिकों में ही चल रहे हैं। देखिए पहले आपको पता होना चाहिए ऑस्मोसिस क्या है, डिफ्यूजन क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है। जिसको पता है बता दो भाई, हाथ उठाओ। मैंने कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा, बताइए। देखो बेटा एक मिनट, आप बात बिल्कुल सही बोल रही है, ग्रेडियंट वर्ड यूज मत करिए, कुछ और यूज करिए। कंसंट्रेशन नहीं, कुछ और। देखिए मैंने इनको क्यों टोका, ये बिल्कुल सही बता रही है, लेकिन समस्या है आपकी बुक में जब आप ऑस्मोसिस पढ़ रहे होंगे तो वहां पर सॉल्यूट के टर्म में लिखा गया है, और मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो सॉल्वेंट के टर्म में है, ठीक है ना। तो इससे भड़बड़ाने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने ऐसा कैसे लिख दिया, ये क्या लिखा, ये तो उल्टी बात लिख दी। उल्टी नहीं लिखी है उन्होंने, वो बातें लिखी है सॉल्यूट के टर्म में, हम आपको पढ़ाए सॉल्वेंट के टर्म में, इसलिए बातों में हल्का सा डिफरेंस आएगा, चीज एक ही है, समझने का प्रयास करना, ठीक है भाई। देखो एक तरफ बाल्टी या कोई टैंक वो है भरा हुआ, और एक तरफ है खाली, तो क्या होगा, क्या खाली वाला भरे को भरेगा, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा। जाहिर सी बात है भरे में से ही पानी जाएगा, खाली की तरफ जाएगा, बीच में कोई भी पार्टीशन बॉल नहीं लगे, सीधा पाइप से कनेक्शन है, तो ये चीज डिफ्यूजन हो रही है, क्योंकि इसमें कोई भी मेम्ब्रेन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं हो रहा जो उसको रोक रही है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर भरी वाली में गंदगी पड़ी है तो गंदगी भी जाएगी, हाँ है ना, साफ पानी तो जाएगा ही, जो गंदगी है, काई पड़ी है, कुछ और पड़ा हुआ है, रंग पड़ा हुआ है, कुछ भी पड़ा हुआ है, वो सब उस साइड ट्रांसफर होगा। अगर बीच में मैं कोई रेस्ट्रिक्शन लगा दूं तो वो कहलाती है वो मेम्ब्रेन, रेस्ट्रिक्शन मतलब कोई ऐसी छन्नी लगा दी एक तरीके से, तो छन छन के जाएगा। तो ऐसी ही छन्नी जिसको मेम्ब्रेन के नाम से जानेंगे, है ना, वो सिलेक्टेड परमेबल मेम्ब्रेन या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऐसे बोलते हैं, तो उसका मतलब है वो सिलेक्टेड का मतलब होता है सिलेक्टेड चीजें ही बाहर निकलेंगी, ठीक है। आरओ में ऐसी मेम्ब्रेनों का इस्तेमाल होता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं ऑस्मोसिस डिफ्यूजन को, इस पे क्वेश्चन एक नंबर के आने की संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है। जब बात खत्म हो जाए तो पीछे नोट्स में इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा, क्वेश्चन सबसे ज्यादा इसमें या डेटा टीएफ टीबी में से एक तो आएगा ही आएगा, ये तो 100% गारंटेड बात है, उन दोनों में से एक, या फिर इन दोनों में से, या इन दोनों में से, मतलब इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन 100% आता है, किसी भी साल मिस नहीं हुआ है, तो आएगा, तीन नंबर का आता है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन बनता है। तो जरा समझते हैं, तीन से ऊपर ही आएगा, तीन मतलब मिनिमम है, ठीक है, चार आएगा, पांच भी आ सकता है। तो हमें जरा ये समझा, मैं आपको पहले ये समझा रहा हूँ, आप मुझे ये बताएं, चलो भैया जी कौन बताएगा, कौन कल पंजा कौन लड़ा रहा था भाई, कौन, हाँ, और एक और था कहीं का, हाँ बाबूजी आप मुझे बस इतने सरल सा क्वेश्चन है, आप मुझे बताओ किशमिश को मैं पानी में डाल दू, किशमिश जानते हो ना, हाँ, किशमिश को पानी में डाल दू तो क्या होगा, नहीं इन्हीं को बताने दो प्लीज, करेक्ट, अगर रात भर पड़ी रहेगी, है ना, एक दिन पड़ी रहेगी तो वो फूल जाएगी, क्या बन जाएगी, नहीं नहीं, फिर किशमिश कैसे हो, किशमिश तो सुखड़ी पुखड़ी सी होती है, वो फूल गई है तो वो क्या बन गई, मत बोलो बिल्कुल पास में बैठे बोलो, अगला मुझसे पूछो दो मिनट से, ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, जल्दी बताइए, समय बर्बाद नहीं करना, तुम बताओ भाई क्या बन जाएगा, देखिए बिल्कुल, देखिए आप मजाक में कह रहे हैं लेकिन बात सही है ही है, देखिए किशमिश बनती है अंगूर से, और अगर आपने उसे पानी भर दिया, मतलब पानी डाल दिया, पानी उसमें आ जाएगा, है ना, और वो फूल के फिर से अंगूर जैसा शेप ले लेगी, बात समझाई ना, मैं अंगूर जैसा स्वाद की बात नहीं कर रहा हूं, शेप की बात चल रही है, ठीक है। अब बात यह है कि किशमिश में पानी अंदर गया, किशमिश का पानी बाहर क्यों नहीं निकला, और पीछे जाती,
नहीं बिच गई, क्यों? क्योंकि किसमिस में पहले से ही पानी क्या है, कम, वो तो सूखी पाकी सी है, मरी सी, तो पानी होता ही क्या है, अंगूर में पानी होता है, किसमिस में तो होता नहीं है, तुमने उसे पानी डाला, तो बाहर टंकी में पानी ही पानी है, जबकि अंदर किसमिस में कोई पानी नहीं है, तो टंकी का पानी किसमिस के अंदर जाएगा, उसको फुला देगा। समझ में आया? मैं आपको तीन टर्म पढ़ाने वाला हूँ, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, अभी ऑस्मोसिस पढ़ाते हुए इसको ले जाऊंगा, फिर वहां से टॉपिक अपना कवर करूंगा, ठीक है? तो उम्मीद है एक बार समझ आ गई। अब जो पानी अंगूर के अंदर गया है, तो अगर आपने कभी अंगूर खाते समय ये मक्कारी की हो कि तुम उसको छीलो तो छिल जाता है वो, उसमें से पतली सी एक वो निकलती है, तो वो मेम्ब्रेन है, वो एक तरीके की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अगर आप अंगूर को रेड कलर के इंक के सॉल्यूशन में डुबो दो तो अंगूर हरे से लाल नहीं हो जाएगा, वो सॉरी अंगूर कह रहा हूं किसमिस को, मान लो किसमिस ली तुमने और एक रंग बना लिया लाल रंग का, नीले रंग का कोई भी रंग बना लिया, और उसमें तुम किसमिस डुबो दो, किसमिस फूलेगी, उसमें पानी जाएगा लेकिन उसके अंदर रंग नहीं जाएगा, क्योंकि वो मेम्ब्रेन क्या कर रही है, सिलेक्शन कर रही है, वो सिर्फ पानी को जाने देगी, कलर को जाने नहीं देगी, उसके ऊपर लग सकता है, उसको तुम छील दो, अंदर तुम्हें पानी पानी मिलेगा। अगर बहुत ही कॉन्सेंट, मतलब बहुत ही फाइन पार्टिकल्स है, तब बात नहीं कर रहा हूं, मेजोरिटी ऑफ टाइम में आपको ये देखने को मिलेगा। ये बात समझ आई? तो इस मेम्ब्रेन ने क्या किया, सिलेक्शन किया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब सिलेक्टेड परमेबल है, सिलेक्ट कर रही है कौन जाएगा, ये सॉल्वेंट जाएगा, कौन नहीं जाएगा, सॉल्यूट नहीं जाएगा, किस रेंज का नहीं जाएगा, रेंज भी सिलेक्ट हो सकती है कि इतने से इतने नैनोमीटर तक का जाएगा, बाकी और नहीं आएंगे। आजकल जो आरओ में लगाते हैं ना, उसमें आप देखते होगे, उसे घुमा देते हैं, हमने देखा नहीं घुमाता हूँ, उसमें मतलब रेंज होती है कि इतने माइक्रोमीटर का, इतने नैनोमीटर का, इतना ये वो फला जो भी है, तो वो रेंज होती है, उतने से ऊपर के चीजें पास होंगी, बाकी वहीं रुकेंगी। इतना समझा गई? हाँ, तो अब आप बताओ बेटा, अब अगर मैं किसमिस को, किसमिस नहीं, किसमिस का तो हो गया ना, अंगूर को पानी में डाल दूं, वो क्या बन जाएगा, क्या होगा उसका? वैसे ही तो कुछ भी नहीं रहता, भाई पानी तो बाहर पानी ही पानी है, अंगूर में कुछ तो होगा ना पानी के अलावा, अंगूर के अंदर अंगूर खाते हो, अंगूर को काटा तो अंदर से पानी निकलता है क्या? नहीं, तो अंदर कुछ ना कुछ तो है इस, और बाहर तो शुद्ध पानी है, तो अब बताओ क्या होगा, क्या अंगूर के अंदर और ग्लास के अंदर जो साफ पानी है दोनों में अंदर बराबर बराबर पानी है? नहीं, अंदर तो कॉन्सेंट्रेशन है, कोई विटामिन होंगी या फिर कुछ मिनरल्स होंगे या कुछ ना कुछ तो होगा, हल्का फुल्का अंगूर मीठे भी निकलते हैं तो मिठास भी हो सकती है, पानी में तो कुछ भी नहीं है। अब आपने अंगूर को उसमें डाला तो बताइए क्या होगा, क्या बन जाएगा वो? हाँ, तो बन क्या जाएगा? मौसमी बन जाएगा, नींबू तक तो पहुंच ही जाएगा, फिर कहां तक पहुंचेगा? हाँ मन बता, तुम बताओ, खरबूजा बॉइल कर दे, अच्छा ये बात तो नया निकला है, पानी में किसमिस डालो, अंगूर डालो, अंगूर डालो और गर्म कर दो, किसमिस निकालो, सूख गया तो किसमिस ही तो निकलेंगी, तुम तो पानी में डाल के उबाल रहे थे ना, गलत कॉन्सेप्ट। अगर मैं अंगूर से किसमिस चाहता हूं तो बताओ मैं उसे किस में डाल दूं कि ये ऐसा काम हो जाए? चाशनी में, धूप से तो हो ही जाएगा, वो एक अलग मसला है, कॉन्सेप्ट से बाहर निकल जाएंगे ना। अगर मैं उसे चाशनी में डाल दूं, बहुत गाढ़ी चाशनी में, तो अंगूर में पानी ज्यादा है और बाहर चाशनी गाढ़ी है, तो उसका मतलब उसमें शुगर सॉल्यूशन है, पानी उसमें कम है, बात समझ आ रही मेरी? तो अब पानी कहां है? अंगूर के अंदर ज्यादा है, क्योंकि अंगूर में चाशनी के बराबर मीठा निकलता है क्या? नहीं, मीठा होता है लेकिन चाशनी के बराबर तो खट्टा भी होता है कभी तो, लेकिन बाहर जैसे जलेबी वाली चाशनी, अब ये बहुत मीठी है, पानी इसमें बहुत कम है, शक्कर ज्यादा है, तो पानी अंगूर से निकल के बाहर आएगा, अंगूर श्रिंक करने लगेगा। क्या ये बात समझ गई? ये दोनों जो मैंने बातें बताई हैं, ये ऑस्मोसिस हुआ है, हायर से लोअर की साइड मूवमेंट हो रहा है। मैं जो टर्म पढ़ा रहा हूं ये सॉल्वेंट के फेज पर है, हायर से लोअर मूवमेंट हो रहा है, आप सॉल्वेंट के हिसाब से चलेंगे, सवाल जल्दी लग जाते हैं उसमें, ठीक है ना? तो सॉल्वेंट में हायर से लोअर मूवमेंट होता है, पानी का मूवमेंट हो रहा है और किसी चीज का नहीं, ठीक है? बुक ने यही बात लिखी है, बस घुमा के लिखी है, इसलिए फंस जाते हो आप, ये बात याद रखिए, मैंने इसीलिए बोल भी दिया कि बुक ने ऐसा लिखा हुआ है, हायर से लोअर मूवमेंट होगा, वाटर मूवमेंट चलता है, ठीक है, समझ गए ना? अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। मैं एक और टर्म पढ़ा दूं आपको, तीन टर्म हमारे पास और है, एक आधे बार आए हुए हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, ये क्या चीज है ये भी समझे। देखिए आइसोटोनिक क्या होता है, जैसे तुम में से बायो वाले कितने भैया, गर्ल्स का तो मैक्सिमम दो तीन
पांच लोग हैं। अब इधर बायो वाले दो लोग हैं। हाँ देखो, बहुत प्रयास के बाद अनेक डॉक्टर बन गया। हंसने वाली क्या बन सकता है? ठीक है चलो छोड़ो, नहीं बना दूसरा कुछ और ले लेते। अनेक बीमार हो गए, बीमार तो हो सकता है, बीमार तो हो सकता है, अनेक बीमार हो गए। ठीक है, डेनिसन ने बहुत बार प्रयास किया डॉक्टर बनने का, बन नहीं पाए, लेकिन वो अधूरी ख्वाहिश इनके अंदर रह गई। तो वो वाले बन गए कौन से? झूला छाप। हाँ झूला छाप भी अच्छी तरह नहीं बन पाए क्योंकि उनका ध्यान उसमें भी नहीं था। लेकिन हाँ बंगाली वाला तो ठीक होता है, झूला छाप उससे खराब होता है। और वो मतलब खराब तो कोई होता, होते तो कुछ ना कुछ जानते हैं वो भी, लेकिन ये है कि इनकी स्थिति बड़ी खराब थी। ये बात ऐसे मेडिकल शो पे चार दवाई सीख ली, कहीं और सीख ली, ऐसे सीख गए थोड़ा बहुत, पढ़ा पढ़ाया थोड़ा सा ऐसा, फर्जी डॉक्टर। अनेक इनका बहुत अच्छा दोस्त है। तो अनेक एक दिन बीमार पड़े थे तो इनके चढ़ रही थी बोतलें, ठीक है ना, बोतल चढ़ती ना, हाँ ग्लूकोज की या नमक के पानी की भी होती है ना, है ना, तो वो बोतल चढ़ी थी भाई इनके। अब बोतल में क्या होता है, पहले ऐसा होता था, अब आजकल तो नई चीजें आ गई, पहले क्या होता था, सीधा सीधा कनेक्शन होता था और उसमें अगर बोतल खत्म हो रही, खत्म होने से पहले रोकना होता था, नहीं तो एयर बबल जा सकते थे। और अगर तुम्हारी बॉडी में अंदर एयर बबल चले गए तो भैया आत्मा निकलेगी फिर, ये बात समझ लो ये बात। तो मैं आपको क्या बता रहा था भाई, आत्मा निकल गई, दूसरी बात बताओ। तो अगर आपके ब्लड में हवा चली गई तो भाई तुम्हें मौत हो जाएगी, ये बात बिल्कुल पक्की है, ठीक है ना। अब इस बात को समझो, तो ये क्या नाम अनेक बोतल लगाए पड़े हुए थे और रात हो गई, रात में डॉक्टर वॉक्टर आते नहीं है, रात है ना, पर यहाँ पे तब भी आए थे, थोड़ा सा गांव इंटीरियर चले जाओ, रात में दिन में भी नहीं आने वाला जी तो बात ही छोड़ दो। तो भाई इनके दोस्त मिलने आए डेनिसन उनसे, अब डेनिसन को थोड़ी बहुत जानकारी थी है ना, पर थोड़ा जानकारी ज्यादा खतरनाक होती है। तो ये उसके पास गए, इनके पास अनेक के पास, इन्होंने पढ़ रखा था कि बोतल खत्म हो रही हो तो क्या नाम है इसको बंद कर दो। अब इन्हें बंद कर दो तो पढ़ा था, लेकिन बंद करना तो नहीं सीखा था, तो नहीं ये तो पता था बंद कर सकते हैं, लेकिन ये पता नहीं कैसे बंद करें। तो इन्होंने कहा यार बोतल तो बंद होगी नहीं, अच्छा तुम्हें ये पता होगा बोतल चढ़ती ना ऊपर पिन लगा देते हैं जिससे वैक्यूम क्रिएट ना हो जाए, है ना, या ऊपर पहले कट लगा देते थे, अब तो पिन मार देते हैं उससे भी हो जाता है कम। तो इन्होंने क्या किया कि उसको काटा ऊपर बोतल को, हल्का सा कट मार दिया उसमें, ठीक है, और कंजूस बहुत नंबर बन के थे ये डेनिसन, तुमने एक लीटर पानी लिया, दो चम्मच उसमें ग्लूकोज डाला, बोल लिया, बोतल भर दी, अब चलेगी सुबह तक, हमने सेट, भाई ग्लूकोज ग्लूकोज एक जैसा जहर थोड़ा मिलाया है, तुम भी तो ग्लूकोज ही चढ़ा रहे हो, हमने बाहर से घोल के चढ़ा दिया, क्या ही अंदर पड़ जाएगा। तो भाई अंतर से इतना पड़ा कि अनेक सुबह, नहीं 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 अरे भैया सुबह अनेक मिले फूले हुए, सही बता रहा हूं, फूले हुए मिले, है ना, इतने फूल गए थे कि अंदर से फट गए थे, मर गए, हाँ कुल मिला के ये मर गए। आप देखो बात हमें ये समझनी है कि ये मर क्यों गए। अब आ जाओ टॉपिक पे, हुआ ये है कि इनकी जो ब्लड वेसल्स थी, ठीक है, इसमें एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन है 0.9% NaCl सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन 0.9% है। आपने इसमें ये है ना, ऐसा ही जितनी सेल्स हैं, मान लो ये सेल्स हैं इस तरीके से, इन सेल्स में भी यही है क्योंकि ये ब्लड से ही अपना एक्सचेंज करती। अब तुमने बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन डाल दिया तो ब्लड में पानी की अमाउंट क्या कर दी तुमने, बढ़ा दी। जब पानी की अमाउंट ब्लड में बढ़ गई तो क्या हुआ, तो हुआ ये कि पानी यहां से इन सेलों में आने लगा क्योंकि तो यहां ज्यादा हाई अमाउंट है ना, और उधर क्या चल रही है इसके कंपैरिजन में इधर आ रही है, लो बोलो हाँ है ना, समझ गए ना, तो मूवमेंट हमेशा कहां से कहां होता है, हाई से लो की तरफ होता है। तो ये सेलों में पानी जाने लगा और ये सेलें क्या होने लगी, फूलने लगी, समझ आया, और इससे ब्रेन की फाइन नर्व्स फट जाएंगी, बड़ी बड़ी नर्व्स भी फट सकती है ज्यादा फूल जाने पर, तो फाइन नर्व्स तुरंत ही फट जाएंगी और मौत हो जाती है। बात मजाक में थी, टॉपिक मजाक में नहीं था, ठीक है ना। अब हमारे पास तीन टॉपिक है जिनके ऊपर हम बात करेंगे, तो इसमें आईसो माने होता है सेम, ठीक है, ये सेम तो केस नहीं चल रहा है, डिफरेंट केस चल रहा है, और दो होते हैं हाइपर और हाइपो, ठीक है ना, एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है हाइपर ज्यादा और हाइपो कम, ठीक है ना। तो ये एक समस्या है, अब इसको कैसे दूर करें, ये पहले ये बात समझ में आ गई, हाँ है ना, पहले ये स्टोरी कंप्लीट कर देता हूं। तो भैया जी ये मर गए,
इनका हुआ पुनर्जन्म, बढ़िया काम किए थे पुनर्जन्म हुआ, फिर से इंसान बने, बड़े हुए फिर बीमार हुए, अच्छा और शक्ल वैसी थी। तो डेनिसन एक दिन गए ऐसे ही घूमते हुए, डेनिसन की भी भाई ऐसी छोटी मोटी डॉक्टरी करते करते एक छोटा सा वो डाल दिया उन्होंने, दो तीन कमरे का हॉस्पिटल टाइप का है ना, हाँ क्लिनिक क्लिनिक करे है ना। तो ये बीमार हो गए, ये वहीं पहुंच गए, ये लेटे हुए थे, अच्छा भाई जान इनका देखना आना हो गया और इनकी बोतल खत्म हो रही थी, फिर से इन्हें रिकॉल हो गया यार पिछली बार हमारा बिल्कुल ऐसी शक्ल का एक दोस्त था और उसके हमने खूब सारा डाइल्यूट सॉल्यूशन डाल दिया था तो भैया वो फूल के मर गया था, तो क्या किया जाए। तो इन्होंने क्या किया, इस बार दिल बड़ा करते हुए ठीक है पानी कम कर दिया, ग्लूकोज नहीं बढ़ाया पानी कम कर दिया और एक दो चम्मच फालतू ग्लूकोज डाल दिया, सॉल्यूशन कैसा कर दिया कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन कर दिया और उसमें डाल दिया बोतल में और बोतल से इनके नसों में पहुंच गया। यहां पर कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो यहां पर पानी क्या हो गया है कम हो गया, यहां पर तो वैसे का वैसे ही हाँ है ना। अब पानी वेसल्स में कम है ना, खून जहां फ्लो कर रहा है वहां कम है, सेल्स के अंदर कंपैरेटिवली ज्यादा है, तो पानी सेल से निकल निकल के अंदर की तरफ इधर की तरफ आने लगेगा, खून के साथ आएगा वो भी खून गाढ़ा हो रहा है ना, इससे सेल क्या हो जाएंगी श्रिंक हो जाएंगी और श्रिंक हो जाएंगी तो अब ये सिकुड़ के मर जाएंगे ठीक है, अरे फिर मर गए ठीक है। इसीलिए इसीलिए आप जो चढ़ाने वाला ग्लूकोज है ना वो तो पी सकते हो, उसमें तुम्हें कोई समस्या नहीं है क्योंकि वो तो डाइजेस्टिव सिस्टम से जा रहा है, ट्रैक से जा रहा है, लेकिन तुम्हारे पास जो खाने वाला ग्लूकोज है ना, जिसे तुम या पी लेते हो जैसे है ना, उसको घोल के चढ़ा नहीं सकते क्योंकि आप कंसंट्रेशन को लेवल नहीं कर पाओगे बराबर बराबर, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होगा और हल्का सा ऊपर नीचे भी आपकी बॉडी को या तो फुला देगा या श्रिंक करवा देगा और दोनों ही स्थिति में आपकी मौत हो सकती है ठीक है ना। ये इनका तीसरा जन्म है। आप ये बताइए क्या आप हाइपर का मतलब नहीं जानते, हाइपर का मतलब क्या होता है, ज्यादा या कम, हाइपो का नहीं जानते होगा, हाइपर का तो जानते ही हो, कहते हैं बड़े हाइपर हो रहे हो तो उसमें क्या बड़े कूल हो गए हो बात सुन ना, हाइपर का मतलब क्या होता है ज्यादा, तो जिसमें कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा हो ज्यादा हो रहा हो हाँ ना। अब ये कॉन्सेंट्रेशन किसका ज्यादा हो रहा है, चलो मैं सल सही बताता हूँ, अगर मैं आरबीसी को एक हाइपर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखूं तो आरबीसी फूलेगी या पिचक जाएगी, जल्दी बोलो गलत है पिचक जाएगी। अब ध्यान सुन लो, इसीलिए मैं इसको बार बार समझा रहा हूं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ये सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में नहीं चल रहा है, समझो मेरी बात, अगर आरबीसी को आपने नमक के हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा है श्रिंक कर जाएगी, बात समझ आ रही ना आए ना। अब जरा इस बात को दिमाग में प्रोसेस करो जल्दी फटाफट सोचो, हाँ हाँ तुमने यही होता है जब जब एक करोड़ रुपए कमाने का चक्कर लगाओ और एमपीएल चलता रहता हूँ पूरे दिन। अच्छा ठीक है तुम ये बताओ आरसीबी तुम्हें पता है क्या होता है, नहीं वो तो आरबीसी होता है, अच्छा नहीं देखती कुछ नहीं होता, ये जो बात चल रही है वो आरबीसी की कैसे चल सकती है, बॉडी में आरबीसी तो एक जैसी होती है, उनका कॉन्सेंट्रेशन तो हमेशा बराबर ही रहता है, बात तो सॉल्यूशन की चल रही है, बात समझे ना, और लॉजिकल भी सोचो ना, क्या आरबीसी का प्लेस क्या आरबीसी का कॉन्सेंट्रेशन सब लोगों में अलग अलग होगा, नहीं तो ये बात आरबीसी के लिए नहीं हो सकती ना, इसका मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन बनाया, अब सुनो ध्यान से, आपकी बार बता रहा हूँ, मैंने एक बीकर लिया उसमें खूब सारा नमक डाला और इतना नमक डाला कि 0.9% से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो जाए ठीक है, ज्यादा कितना कॉन्सेंट्रेशन हो जाए ज्यादा, बात समझे ना, कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, कॉन्सेंट्रेशन 0.9% से ज्यादा हो गया, बात समझो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यहाँ पर खूब सारा नमक है ये तो मतलब है, और जो सेल पड़ी है आरबीसी उसमें नमक क्या है कम है, कम है ठीक है ना, या समझ गया मेरी बात को, हाँ है ना, ध्यान समझो बात कठिन होने वाली है बेटा, तुम मार तो नहीं चल रहे, यहां पर नमक NaCl ज्यादा है मोर, यहां पर NaCl लेस है लेस, अब नमक कम है तो ज्यादा क्या है पानी, पानी ज्यादा है तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, इसमें पानी H2O क्या है मोर है और बाहर H2O क्या है लेस है, अब बताओ मूवमेंट कहां से कहां होगा,
समझ गए ना, मूवमेंट यहाँ से इस साइड में होगा। उम्मीद है अब आप बात समझ पाए होंगे। हाँ है ना, समझ गए। तो जब हम समझ गए मेरी बात को, इसमें तो आपका जो जो ये था ये तो 0.9% था और ये 0.9 से ज्यादा है। इसमें नमक ज्यादा है, नमक ज्यादा देखो हम बोल नमक के लिए रहे, पढ़ा पानी के लिए रहे, समझ रहे, इसीलिए कंफ्यूजन हो जाता है। इसमें नमक ज्यादा है, नमक ज्यादा मतलब पानी क्या है कम है, और बाहर बाहर नमक कम है पानी ज्यादा है, बाहर नहीं सॉरी सेल के अंदर नमक कम है पानी ज्यादा है। तो पानी हमेशा कहां से कहां आएगा, बाहर की तरफ आएगा, सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक कर जाएगी। एक बार दिमाग पे प्रोसेस कर लो, भैया ऐसा नहीं आ रहा है तो दोबारा पूछ लो, क्लियर है ना। हाँ है ना, और सरल कर देता हूं। बीकर में जो आरबीसी, बीकर में हमने एक सॉल्यूशन दिया, उसमें जो हम आरबीसी डाल रहे हैं, आरबीसी में नमक का डाइल्यूट सॉल्यूशन, नमक कम है मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन है। हाँ है ना, नमक कम का मतलब क्या, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और जो बीकर में लिया है उसमें नमक ज्यादा मतलब कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन है। तो डाइल्यूट आरबीसी को, डाइल्यूट आरबीसी सॉल्यूशन वाले आरबीसी को मैंने कॉन्सेंट्रेशन में डाला, तो डाइल्यूट में पानी ज्यादा है तो पानी कहां निकलेगा, बाहर भी निकलेगा कॉन्सेंट्रेशन के लिए, सिकुड़ जाएगी। नहीं हुई क्लियर अभी भी, पक्का कोई डाउट तो नहीं है। अब ये क्या कहलाया आपका, हाइपर, क्योंकि देखो ना इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है ज्यादा। देखो मैं आपको ये बात क्यों इतना डिटेल में गुस्सा समझा रहा हूँ, हाइपर माने उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, किसका, सॉल्यूशन का, आरबीसी से कोई मतलब नहीं होता। और कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा का मतलब क्या है, देखो मैं यहां लिख देता हूं, हाइपर, हाइपर का मतलब है सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाँ कॉन्सेंट्रेशन मोर है, इसका मतलब वॉटर उसमें क्या है लेस। उम्मीद अब तो बात समझ आई जाएगी, ठीक है ना। तो पानी उसमें कम है और आरबीसी में ज्यादा है, तो आरबीसी से पानी निकलेगा, बाहर की तरफ मूव करेगा, आरबीसी श्रिंक कर जाएगी, ये हाइपर हो गया। उल्टा कर देना हाइपो हो जाएगा, ठीक है। और अगर कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाए, जैसे यहाँ पर 0.9 है, यहाँ पर भी 0.9 हो जाए, तो वो आइसोटोनिक हो जाएगा, आइसो माने सेम। अभी तीनों क्लियर हो गए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जरा से हम फिर से ऑस्मोसिस पे आ रहे हैं वापस, इसको लिखना है कुछ नोट्स में, वैसे सारा लिखा हुआ है। और एक बार बात, जब सारे वीडियो खत्म हो जाएंगे मैं एक अटैचमेंट फाइल बना के सब वीडियो के नीचे लगा दूंगा, ठीक है। अगर आपने कोई नोट्स खोजा है वीडियो खोलो और उसके नीचे पूरी उसका पीडीएफ पड़ी होगी, ठीक है। लेकिन मैं फिर से कर रहा हूँ, नोट्स फिर भी लिखने, क्योंकि आपका लिखा हुआ जब आप लिखते हो तो आप उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिख लेते हो, नोट्स में तो मेरे हिसाब से लिखा हुआ है, बात क्लियर है ना। तो उम्मीद है क्लियर हो गया सभी को। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि ऑस्मोसिस जो प्रोसेस होती है, ऑस्मोसिस जो प्रोसेस होती है उसमें जो सेमी पेरिल मेम्ब्रेन एसपीएम का इस्तेमाल करते हैं, वो क्या होती है, किस चीज से बनी होती है, किसमें, किसी भी चीज में। चलो दूसरे तरीके से पूछता हूँ, सबसे पहली सेमी पेरिल मेम्ब्रेन किस चीज से बनाई गई थी, लिपिड से कैसे बना सकते हैं बेटा, बनाई गई थी ह्यूमंस में, बनती दोनों नहीं है, बनी बनाई हमने ह्यूमंस ने, कैसे बनाई, किससे बनाई, हाँ 4% नाइट्रोसेल्यूलोज सॉल्यूशन से बना सकते हैं, 4% का नाइट्रोसेल्यूलोज का सॉल्यूशन होता है उससे बन सकता है, और कोई उससे, ये तो बहुत बाद में है, पेक्टिन मेम्ब्रेन होती है उससे बन तो सकता है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए सबसे पहले जो बना वो बकरे की जो अंदर की एक खाल होती है उसका एक वो बनाया गया बैग टाइप का, ठीक है ना, और उस बैग में पानी भर देते थे, ठीक है। ऐसा मैंने एक जगह पढ़ा था, मैं इसके लिए कंफर्म नहीं हुआ, ठीक है, सुनो तो उसमें क्या होता था, जो रेगिस्तान में जो वो मिलते ना बैग आते थे पानी पीने वाले, बहुत पहले बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, वो ऐसे बैग जैसे हैं, है ना, ऐसा मुंह लगा होता, इनके अंदर एक और ऐसा बैग होता था, ठीक है। तो वो ये क्या करते थे, मतलब ये बड़ा ही सा होता था, थोड़ा और बड़ा बना दो, ठीक है, ऐसा, तो वो पानी पहले इसमें भरते, तो पानी जाता था इनका इसमें, ठीक है, इसकी मैकेनिज्म पानी इसमें आता था, और ये बना था मेम्ब्रेन का, और मेम्ब्रेन जब तक सूखे की नहीं तब तक वो सही चलती थी, सूख जाती थी तो मतलब फट जाती थी, तो इसमें पानी भर गया और वो पानी धीमे धीमे यहां से बाहर निकलने लगता था, बाहर तो पानी है नहीं और हायर टू लोअर मूवमेंट होता है, और गंदगी सब इसी में रह जाती थी और पानी इस तरीके से छन जाता था, और फिर वो पानी पीते थे तो साफ पीते थे। अब भाई वो पानी पी रहे हैं तो छन्नी तो है नहीं वहां पे, तो रेत रेगिस्तान में तो कहीं पानी मिला कहीं नहीं मिला, जहां मिला वहीं भर लो, जैसा मिला वैसा भर लो, तो छानेंगे कैसे, ऐसे तो मर ही जाएंगे, तो इस तरीके से स्टार्टिंग में करते थे, ठीक है। बाकी क्या ये मेम्ब्रेन होती है वो अपना खुद से देखना, मेम्ब्रेन से हमें कोई मतलब नहीं है। अब आ जाओ वापस, इसको अब हम आज की डेट में कैसे कर सकते हैं, इसको समझते हैं, जरा समझो, आओ देखो क्या पूछा है ना, ठीक।
तुम लोग आरओ वाटर पीते हो? पहली बात तो मत पिया करो, ठीक है। देखो अभी एक रिसर्च आई है, दो दिन पहले मैंने सुना था, उसमें साफ बोला है उन्होंने, है ना, WHO की रिसर्च भी है, उसमें कहा है कि मत पीजिए, क्योंकि अगर आप पीते रहेंगे तो आपको बॉडी में कैल्शियम, मैग्नीशियम और है ना ये कम हो जाएंगे, और बुढ़ापा आपका मतलब दर्दनाक आएगा, जल्दी तो आएगा, ठीक है। हाँ, दर्द में चल नहीं पाओगे और रो रो के चलोगे, तो बात समझ में आ रही है आपको? हाँ बेटा, तुम रुको, पहले इनके निपटाने जरा, ठीक है। हाँ क्या समझ? नहीं तुम बताओ, हमारा सब बढ़िया हो, तुम बताओ। सुनिए, रेगिस्तान में तुमने देखा गेहूं उगरा, गंदा उगरा, वहाँ पानी की बूंद नहीं है, गंदे में कहां से पानी आएगा? वहां तो वैसे ही जो दिख जाए उसे मार के खा लो भाई। आप सोचो जहां तक नजर जा रही वहां तक रेत है, क्या होगा वहां पे? सांप ने तुम्हें देख लिया, वो तुम्हें खा लेगा। तुम सांप को देख रहे हो तो तुम सांप को खा लो, समझ में आया? मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, कल परसों बात थोड़ा नहीं है। तो अब वापस आइए, तो भैया जी ये है कि पहले तो आरओ वाटर को अवॉइड करिए, और दूसरा जिनको ये लगता हो यार हम आरओ वाटर अवॉइड करेंगे तो हम तो बीमार हो जाएंगे, आपके आरओ वाटर में जो TDS रेगुलेटर होता है वो बेसिकली आरओ की इम्प्योरिटीज को दोबारा से मिक्स करता है, तो आप बीमार नहीं होते, ठीक है। जिनको ये लगता है कि हम आरओ वाटर पीते हैं सेफ होता है, नहीं जी, जो TDS रेगुलेटर होता है जिसको लोग जनरली 100 कर देते हैं, जो कि 200 के आसपास तो होने ही चाहिए एटलास्ट, मेरे यहाँ पे 200 के ऊपर है, क्योंकि मैं वो मीटर भी रखता हूँ अपने नापे, तो जितना कम होता है उसे पता भी है, मैं खोल के उधर बढ़ा के और सही कर देता हूँ। बस तो रहे इतने, सुनो, लेकिन मैंने क्या कर रखा है उसको सुनो ना, मैंने उसे 200 के ऊपर कर रखा है। अब उसमें होता क्या है, उसमें से समस्या क्या है कि जो लेड की इम्प्योरिटीज आ रही है वो फिल्टर नहीं है, तो उन 200 में लेड की इम्प्योरिटीज, आप अगर आपके में 100 है तो आपके कंपेरिजन मेरे शरीर में लेड की इम्प्योरिटी ज्यादा हो रही है, ये एक नुकसान है। तो लेड से तो बहुत लॉन्ग टर्म में कुछ नुकसान होने वाला है, और वो जरूरी नहीं है, अगर आपका खान पान सही है तो वो भी नहीं होगा, डिफिशियंसी से तुरंत ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये है सीन, तो आप समझे 200 के अराउंड रखें एट लास्ट। और अगर जैसे कोई रह रहा है जिसके यहाँ पर TDS लेवल 5000 है, जैसे होशियारपुर में 5000 चलता, 5000 मैं पहले माने ही नहीं, जब तक मैंने मीटर नहीं देख लिया, रीडिंग नहीं आ रही थी उसमें, 5000 TDS चल रहा है, तो 5000 TDS तो हमारे यहाँ पर जरा सा आता है, वहां पे 5000 आ रहा है, तो 5000 TDS वाले कितना कम करेंगे, और अगर वो 200 तक लाएंगे भी तो उनके पैसे कुछ बचना नहीं है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये जो आरओ की मैं कहानी सुना रहा हूँ इतनी देर से, ये इसलिए क्योंकि अगला टॉपिक हमारा यही है, ठीक है, फालतू में हम कोई बात नहीं करते। तो तुम्हें बहरहाल फिर भी एक बात बता दो, आप जब आरओ से पानी निकलता है तो उसमें जीरो जीरो मिनरल्स होते हैं, कोई मिनरल, वो वही पानी होता है जो बैटरी में पड़ता है, डेड होता है वो, डेड, उसमें बैक्टीरिया वायरस पैदा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सब मर गए, बैक्टीरिया वायरस यूवी से मर गए, और कोई आयन नहीं है, मतलब अगर करंट डालोगे करंट नहीं लगेगा, जीरो है। फिर क्या करते हैं, जैसे यहां पर मान लो उन्होंने आरओ मेम्ब्रेन लगा रखी है, यहां से इन हो रहा है, इन है और यहां से आउट है, तो यहां पर जीरो डेड पानी निकलना है, मतलब इसमें कोई मिनरल नहीं, वो यहीं पर एक टी लगाते हैं, टी मतलब एक कनेक्शन डालते हैं ऊपर की तरफ, और इस पानी को बाईपास करके इसमें मिला देते हैं अदर फिल्टर्स के साथ, अदर फिल्टर आगे लगे होंगे, ये इसमें मिल जाएगा, यहां पर एक रेगुलेटर लगा होता है, यहां यहां या कहीं पर भी एक रेगुलेटर लगा देते हैं, इससे ये डिसाइड होता है कितना पानी जाना है। तो जो पानी आरओ से फिल्टर होना था उसमें से हमने कुछ फिल्टर नहीं किया और इस साइड डाल देते, और फिर ये जाएगा यूवी और दूसरे फिल्टर्स में, ठीक है, तो यूवी में बैक्टीरिया वायरस मर गए, ठीक है, ले और आपके बॉडी में कुछ कैल्शियम मैग्नीशियम पहुंच गए, और मेजोरिटी ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम निकल गए और मेजोरिटी ऑफ लेड और दूसरी इंप्योरिटीज भी निकल गई। अब हो सकता है कि आपके पानी में लेड और उसकी इंप्योरिटी हो ही ना, हर जगह थोड़ा लेड फैला हुआ है, लेकिन कैल्शियम तुम हर जगह हटा ही रहे हो, ये है समस्या। जैसे मैं जहां पर रहता हूं गाँव में, है ना, वहां पर कोई लेड की समस्या नहीं है, साफ सुथरा है, और पूरे शहर में चले जाओ देखा था आरओ मिलेगा कहीं नहीं, और पानी एकदम बेसिक आता है, क्योंकि वहां पे नीचे चूना की चट्टाने हैं, और आप पानी निकालो पीएच चेक कर लो, हमेशा बेसिक मिलेगा, कभी एसडी, और तुम अपने घर पे चेक कर लेना एसडी मिलेगा ना, हो तो हमसे पीएच मीटर ले जाना, हमारे पास रखा हुआ है, चेक कर लेना, तुम्हारा पानी 100% एसडी आएगा, बेसिक नहीं आएगा। और अब बेसिक के लिए वो अलग एल्कलाइन वाटर डालते हैं, तो उसमें क्या है, वो कैल्शियम के और चूने के वो लगा देते हैं, फिटकरी विटकरी लगा देते हैं, उसमें पानी पास करते हैं, बेसिक हो जाता है। तो इसलिए
सोच समझ के पियो, और अगर कुछ नहीं हो पा रहा और चीजें फिजिबल हैं तो एट लास्ट एक नारियल रोज पी लो, लगभग मिनरल्स की मामला ठीक रहता है। हाँ 60 रुपए का आता है, मल्टीप्लाई कर रहा है 30 रुपए का, कितने हो गए 18 रुपए हो गए। और एक बार डॉक्टर को घुटना का घाव भी दिखा दिया ना, खत्म, पूरा तो दिखाना भी नहीं है, दूर से भी दिखा दिया ना, 1200 बिल फोंक देगा। चिंता मत करो, लाठी पकड़ चलो तब बताएंगे। तो आओ आप इसको देखते हैं ये कैसे काम करता है। चलिए बात खत्म करते हैं बेटा। देखिए यहां पर एक एसपीएम है, ठीक है, और यहां पे लगा हुआ है एक नल। कृतिका देखो लास्ट क्लास में तो आई नहीं थी और अब हंसे ही जा रही है, हंसे ही जा रही है। नल भी पतला, यहां पे एक नल लगा हुआ है और यहां पर एक पिस्टन लगी हुई है, मतलब ये मूवमेंट कर सकती है। आपके आरओ में मोटर लगा होता है, देखा कभी, जिसने देखा होगा आरओ कभी खुला हो, मोटर लगा होता है, वो मोटर इसी पिस्टन से कनेक्ट होता है, ठीक है, और उसका काम है प्रेशर मेंटेन करना। वो उसमें जो चलता है ना तो बहुत एक प्रेशर आता है। अब उसका काम क्या है, देखो यहां पर पानी भर दिया मैंने, सिंपल यहां पे पानी, ठीक है, और यहां पे जो पानी है वो है साफ प्योर, और यहां पे जो है वो है इनप्योर, मतलब इसमें गंदगी पड़ी हुई है। तो पानी ज्यादा कहां है, ये दोनों जब मैं बराबर साइज किया, ज्यादा कहां है, प्योर वाले में। बेटा इनप्योर वाले में तो गंदगी भी है ना, मान लो तुम्हारे पास दो कटोरी है बराबर साइज की, एक कटोरी में सिर्फ पानी है और एक कटोरी में पानी से थोड़ा कीचड़ भी है, तो ज्यादा पानी किसमें है, कीचड़ वाले में तो मिट्टी है ना, या रेत या जो कुछ भी है वो भी तो जगह घेर रही है ना, तो पानी की वैल्यू तो घट रही है ना। वैसे ही यहाँ पर चैम्बर अगर बराबर साइज किया तो यहाँ पर जो भी इंप्योरिटी पड़ी है चाहे वो थोड़ी सी ही क्यों ना हो तो वो भी तो जगह घेर रही है, तो पानी की वैल्यू तो कमी कर रही है कि नहीं, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, तो ये बात क्लियर होगी। अच्छा अब देखो, अब क्या हुआ, यहां पानी ज्यादा है और यहां पानी कम है, ये बात समझ में आ रही, ऑस्मोसिस होगा तो पानी इधर से इधर की तरफ चलेगा, बोलो क्लियर, चलेगा, और जब पानी इस साइड ज्यादा आएगा, आपको बस समझ में आएगी बस, जब पानी इधर ज्यादा होगा तो ये चैम्बर तो बड़ा हो नहीं जाएगा क्योंकि ये तो हार्ड होते हैं, तो ये पिस्टन क्या होगी, पीछे किसके, मतलब ऊपर की तरफ चली जाएगी, सपोज ये यहां तक चली गई, इस पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चली गई, ये बात क्लियर होगी, ध्यान सुनिएगा, मैं रिपीट नहीं करने वाला। अब मैं ये तो नॉर्मल हो जाएगा, इतना तो हो ही जाएगा, ठीक है, अब मैंने बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर P1 एक्सटर्नल प्रेशर लगा के इसको दोबारा यहां से यहां पर ले आया। जब मैं यहां से यहां पर लाऊंगा तो क्या होगा, यहां पर जो पानी एक्स्ट्रा यहां से यहां आया था, या तो वो चैम्बर को बड़ा करे जो कि संभव नहीं है, तो यहां पर आया हुआ पानी वापस अपनी जगह लौटेगा, बोलो हाँ, ये देखो ये लौट गया बराबर बराबर जैसा था वैसे ही हो गया, क्यों, क्योंकि हमने ऊपर से एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रखा है। इस प्रेशर ने क्या किया, ध्यान सुनिए टॉपिक पे, इस प्रेशर ने क्या किया, ऑस्मोसिस की वजह से जो पानी इस साइड आ रहा था उसको रोक दिया, तो द प्रेशर यूज्ड टू प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ द ऑस्मोसिस इज नोन एज द ऑस्मोटिक प्रेशर, यही है हमारा अगला टॉपिक, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो प्रेशर जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकने के लिए काम आता है, ऑस्मोसिस कर रहा था कि पानी इधर आ रहा था, हमने प्रेशर लगा के रोक रखा है, तो जो प्रेशर ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकने का काम आ रहा है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी, समझ गए ना, इतनी बात क्लियर है। तो पाई हमारा जो लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर, वो ही इस पे सवाल जरूर जरूर आता है, कुछ ना कुछ तो आता ही आता है, बहुत ही कम छूटेगा, इससे छूटा तो टीबी टीएफ में लपट जाएगा, इन चार तीनों को छोड़ दे ऐसा सवाल ही नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं होगा, ये बात क्लियर हो गई। अब किसी का मन नहीं माना, ठीक है, उसने पिस्टन के शेप को थोड़ा सा ऐसा कर रखा है, ठीक है, चैम्बर को, और उसने इस पिस्टन को यहां से थोड़ा और दम लगा के और प्रेशर लगा के इस सी पॉइंट पे खिसका दिया, तो क्या होगा, यहां का पानी देखो यहां पर गंदगी है, इस पानी में इंप्योरिटी, इंप्योरिटी लिखा ना, इंप्योर है, गंदगी है, गंदगी तो उस साइड जा नहीं सकती, तो यहां से पानी को अब उधर जाना पड़ेगा, बोलो हाँ है ना, हाँ है ना, ऑस्मोसिस पानी को किधर से किधर भेज रही थी, इधर से, ठीक है ना भाई, ऑस्मोसिस क्या कह रहा था, पानी इधर से इधर जाएगा और हमने एक्स्ट्रा प्रेशर लगा के पानी को इधर से इधर भेज दिया, तो ये क्या हो गया, रिवर्स ऑस्मोसिस, बोलो आए ना, ये शॉर्ट फॉर्म है आरओ, यही आरओ,
और समझ गए ना, तो आप इस तरीके से पानी को पीते हैं। तो जब पानी इधर से इधर जाता है तो कोई भी मिनरल्स उसको पार नहीं कर पाता, इसलिए आपका पानी डेड होता है। और फिर हम उसमें टीडीएस सिस्टम, मतलब एक आउटर कनेक्शन डाल के, है ना, एक बाईपास सिस्टम मार के, है ना, उसमें क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज मतलब गंदा पानी वाला पानी मिला देते हैं जो बिना फिल्टर के आ रहा है। और फिर उससे क्या होता है कि जो खतरनाक इम्प्योरिटीज है उनकी वैल्यू कम हो जाती है और अच्छी वाली की भी कम हो जाती है। सबकी कम की तो ओवरऑल वैल्यू कम होगी ना। क्या ये बात समझ में आ गई? तो उम्मीद है आप समझ पाए कि पाइप क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो वो प्रेशर जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकने के लिए चाहिए वो पाइप है। और अगर हम उससे ज्यादा प्रेशर लगा दें, उससे ज्यादा प्रेशर लगा दें तो पानी उल्टा चलने लगेगा, वो रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस है। इसके लिए कोई डिनोशन नोशन नहीं है, ये बात सिर्फ समझाने के लिए। बोलो क्लियर? जैसे एक बार क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द यूज ऑफ द ऑस्मोसिस या, है ना, या रिवर्स ऑस्मोसिस ऐसा, तो रिवर्स ऑस्मोसिस का क्या यूज है? एक नंबर क्वेश्चन था, एक शब्द में लिखना था, बताइए क्या लिखेंगे? लिख सकते हैं वाटर फिल्ट्रेशन, तो हम बहुत सारे कपड़े से भी छान सकते हैं। देखिए वाटर फिल्ट्रेशन मसला नहीं है, आप कहीं देखे कुछ और शब्द सही आना चाहिए। हम लिखेंगे डिसेलिनेशन ऑफ द सी वाटर। देखिए आरओ जो बनाया गया था वो समुद्र के पानी को साफ करने के लिए बनाया गया था, आपके घर में लगाने के लिए नहीं बनाया गया। जो चारों तरफ से समुद्र से पानी से घिरे हैं, अगर वो ग्राउंड वाटर भी निकालेंगे तो समुद्र नहीं निकलेगा, तो वो क्या पिएंगे? जापान में क्या पिया जा रहा है, हाँ है ना, मलेशिया उछल्ला बहुत, अब रोरा गेट के पानी नहीं है, एक प्लांट लगा वो इंडिया लगाया था, वो उड़ा दे मजा आ जाए, खाली लोट लेंगे। तो भाई ये समस्या ये है कि उनके पास वो गिरे हुए हैं, ग्राउंड वाटर है नहीं, ग्राउंड का मसला नहीं, ग्राउंड ही नहीं है उनका, तो नीचे है पानी नट के बीच में, तो चारों तरफ समुद्र का पानी, तुम्हें उसे फिल्टर करना पड़ेगा। वो फिल्ट्रेशन होगा आरओ से, रिवर्स ऑस्मोसिस से। और वो इसीलिए आरओ का सबसे प्राइमरी यूज हम लोग हैं डिसेलिनेशन का, सी वाटर के डिसेलिनेशन। बात समझ आ गई? चीन ने भी पानी भेजा, गंदा भेज दिया, कहते जी आरओ का पियो, चीन है यार, भरोसा कर लिया। बोलो क्लियर हो गया? ठीक है, आप देखो एक बात बताओ, ये जो पाई की वैल्यू है, पाई जो है ये किस पे डिपेंड करेगा? तो देखिए जरा सब समझना ध्यान से, आप खुद ही बताना। अगर यहाँ पर बहुत इंप्योर, अब मैं आरओ वाला सिस्टम हटा रहा हूँ, ठीक है, आरओ आपको समझाने के लिए बनाया था, बता दिया, खत्म हो गया, ये हटा रहा हूँ क्योंकि मेरा टॉपिक पाई है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर बहुत ज्यादा इंप्योरिटी है तो पाई की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, सोच समझ के बताइएगा। पहले सोच लो, पूरा दिमाग लगाओ, ठंडे दिमाग से अपने सोच लो भाई, बताओ। क्वेश्चन ये है कि अगर यहाँ पर गंदा पानी बहुत ज्यादा है और इधर साफ है ना, इधर तो साफ ही आता है, और इधर गंदगी बहुत ज्यादा है, मान लो तुम्हारे पास एक आरओ है, ये सिस्टम लगा हुआ है, यहाँ पर बहुत गंदा पानी, इनके घर पे एक आरओ लगा हुआ है, इसमें गंदा है लेकिन कंपेरेटिवली कम है, तो पाई की वैल्यू किसकी ज्यादा आएगी या किसकी कम आएगी? ज्यादा आएगी, क्यों? पानी ज्यादा फ्लो होगा ना, बिल्कुल सही। अगर यहाँ इम्प्योरिटी ज्यादा है तो इसका मतलब पानी यहाँ पर कम है, कम, अरे इम्प्योरिटी ज्यादा तो पानी कम है यार, सागर हो गया बिल्कुल, अरे कटोरी में कीचड़ ज्यादा तो पानी कम है, कितने बार समझूं, तो यहाँ पर इम्प्योरिटी ज्यादा तो पानी कम है और यहाँ पानी तो भरा पड़ा है, तो यहाँ से बहुत तेजी से पानी आएगा, क्योंकि डिफरेंस जितना ज्यादा होगा ना पानी का फ्लो उतना ही तेज होगा। भरी टंकी को जब हम कनेक्ट करते हैं खाली टंकी में तो शुरुआत में पानी तेज जाता है, उतना ही तेज बिल्कुल भरते बराबर होने पर थोड़ा जाता है, बात समझ आ रही ना, तो यहां से बहुत तेजी से पानी आएगा और हमें उस पानी को रोकने के लिए प्रेशर लगाना है, तो जब तेज पानी आ रहा है तो प्रेशर भी तो ज्यादा लगेगा कि नहीं, तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन के, बढ़ाते जाओगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, बात क्लियर हो गई। टेम्परेचर के भी डायरेक्टली होता है, मैं बता देता हूँ, वैसे लॉजिक नहीं बन रहा इस बात पर, जैसे मान लो बहुत गर्मी है ना, तो जो पानी है वो तो आ ही रहा है, साथ में जो पानी इवेपोरेट हो गया वो भी आ रहा है, तो समझ गए ना, पानी यहां से यहां आ रहा वो तो आ ही रहा, जो इवेपोरेशन हुआ इस साइड वो कहां जाएगा, इधर ही आएगा, उधर रुकने की जगह होती तो फिर आते ही क्यों उधर, वो भी इधर ही आएगा, तो तुमको किधर हुआ वो, तो पानी तो उधर जाता है ना, तो वेपर फॉर्मेट भी इधर ही आएगा, प्रेशर को क्या करेगा, और एनहेंस करेगा, ठीक है ना। अगर ठंडा पानी हो तो कुछ हद तक, बहुत ही माइनर होता है, लेकिन कुछ हद तक पाई की वैल्यू में कमी आ जाती है, समझाया, और उबलते हुए पानी में पाई की वैल्यू हल्की सी बढ़ जाएगी, तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है, इन दोनों को मिला दो तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीटी हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टी कांस्टेंट आई है, पाई इक्वल टू
CRT, R वही है गैस कॉन्स्टेंट 8.314 वाला, ठीक है ना। T टेम्परेचर है, C कॉन्सेंट्रेशन है, मैं एक बार और लिख देता हूँ यहाँ पर, देखिए pi is equal to, pi तो बता दिया ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, C का फॉर्मूला होता है WB upon MB, बेटा माता आ गई तो बता दो WB upon MB into 1000 upon, upon में कितना आएगा, ये C है कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर यूज होगा वॉल्यूम, ठीक है ना, वॉल्यूम मोलरिटी या मोलिटी कैपिटल एम स्मॉल एम, ठीक। बी इंटू आर इंटू पी, एक और बात, कल तक मैंने आपको समझाया था कि टेम्परेचर को किसी में भी रख लो कोई समस्या नहीं है, केल्विन में रख लो डिग्री में रख लो, यहाँ पर है आपको टेम्परेचर केल्विन में रखना, ठीक है, क्योंकि आर की जो यूनिट चल रही होंगी उनमें टेम्परेचर केल्विन में चल रहा होगा, या तो फिर आप उधर से सेंटीग्रेड करो तो उससे बेटर है हम इधर ही केल्विन कर देंगे, बात समझाई ना, क्योंकि आर की यूनिट में भी टेम्परेचर आएगा ना तो वो फंसेगा मामला, तो यहाँ पर आप केल्विन रखेंगे जिससे आर की वैल्यू हमारी वही आए जो हमारी नॉन है, ठीक है। आप देखो डब्ल्यू भी निकालना आता है, एम भी आता है, बी पता ही है, आर की वैल्यू फिक्स ही है, टेम्परेचर दिया हुआ केल्विन, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए मान लो 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है तो यह हो जाएगा 27 प्लस 273 केल्विन, मतलब हो गया तकरीबन 300 केल्विन, 273 होता है एक्चुअल वैल्यू, 273.15 होती है, 273 जोड़ के काम चला लेते हैं, बात क्लियर हो गई, अभी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, टॉपिक क्लियर हो चुका है, पूरी बात बता दी, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है, कोई समस्या दिक्कत, ठीक है, प्रैक्टिस कॉपी में कहीं ना कहीं लिखते जाइएगा, नोट्स में मत लिखिएगा अभी, सुनो देखो भाई ऐसा है कि अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं वांट ऑफ फैक्टर के बारे में, ठीक है, क्या होता है थोड़ा सा समझ लो, फिर हम इसको कल से लिखेंगे, ठीक है ना, एक क्लास में बर्बाद होगी, ठीक है। वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, आई से डिनोट करता है, ठीक है ना, आई से, टॉपिक बड़ा है, मैं पहले आपको फॉर्मूला वाइज समझा रहा हूँ, फिर इसका डेरिवेशन करेंगे अगली क्लास में, आज मैं आपको फॉर्मूला सिखा रहा हूँ। कोई भी वांट ऑफ फैक्टर का सवाल आए तो मैं क्या करता हूं, मैं भी बताऊंगा पहले क्या होता है, जैसे आपके पास चार पॉलीनोमियल प्रॉपर्टी थी, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, आप लोग बोल सकते हो यार मुंह में दही जमा क्या, दूसरा डेल्टा हाँ के बी अपॉन डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए, तीसरा डेल्टा टी इक्वल टू आई के एफ इंटू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA, फॉलो आए ना, और चौथी है पाई इक्वल टू आई सीआरटी, टी को छोड़ दो तो WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इंटू आर इंटू, चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, चारों में जिस साइड MB आ रहा है उस साइड मैंने मल्टीप्लाई किया है, इसमें MB यहां पर आएगा तो मैंने यहां पर मल्टीप्लाई किया, बात समझ आ गई ना, MB जिस साइड आता है उस साइड मल्टीप्लाई करते हैं और आपके ये अगले चार फॉर्मूले तैयार, ये फायदा हुआ मैंने आपको जब पढ़ाया तो इस तरीके से पढ़ाया। अब बात आती है कि ये है क्या, अगले चार सवाल बस यही है, मैंने आपको पहले दिन बोला था जिसने मोलिटी मोलिटी सीख ली एक मल्टीप्लाई और आंसर निकलेंगे, बोलो बोला था, देख लो अगर ये आता है तो ये वाला सॉल्व हो जाएगा क्योंकि इसमें से दो में से एक दिया ही होता है, अगर मुझे ये आता है ये बेसिकली क्या है ना, तो सिर्फ केबी का मल्टीप्लाई करना है, पिछली क्वालिटी आई को और कर दो अगली निपट गई, ये आता है केएफ का मल्टीप्लाई करो ये निपट गया, आई का किया ये वाला भी निपट गया, वन टॉप के साथ भी, इसमें आर और टी का मल्टीप्लाई करो पिछला निपट गया, आई का मल्टीप्लाई करो अगला भी निपट गया, फिर से समझा रहा हूं मोलिटी मोलिटी और मोल फ्रैक्शन इन पे कमांड है, सवाल एक भी रुकेगा नहीं क्योंकि मैंने सारा सिस्टम ऐसा बनाया है, ये आ रहे हैं उसमें मल्टीप्लाई करते जाओ आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आई क्या है, देखो वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है कि मान लो नमक, नमक ले लिया हमने तो नमक का मॉलिकुलर मास कितना होता है, Na का कितना होता है 23, क्लोरीन का कितना हो गया 25.5, जोड़ दो 5 3 8 58.5, है ना। अब मैंने पानी को नमक में डाला, है ना, पानी में नमक डाला उसे चलाया तो क्या नमक टूटेगा नहीं, डिसॉल्व हुआ है, डिसोसिएट भी हुआ है, डिसोसिएट हुआ कि नहीं, डिसोसिएट हुआ तभी तो डिसॉल्व हो रहा है, नमक टूट जाएगा ना Na प्लस और Cl नेगेटिव में, हाँ है ना, तो क्या उसका मॉलिकुलर मास वही है, नहीं, लेकिन जब सवाल लगाते हो तो वही लिख देते हो तो क्या गलत नहीं हुआ, खेल समझ में आया। तो अब उसमें कितना हिस्सा टूट गया है उतने का मॉलिकुलर मास बदल रहा है,
और कुछ का वही है, जो नहीं टूटा वो तो वही का वही है। तो आई इनका रेशियो होता है, ठीक है। आई का मतलब बॉन्ड फैक्टर, बॉन्ड फैक्टर क्या होता है, रेशियो होता है। या तो हम कॉलिगेटेड प्रॉपर्टी टर्म में निकाल लें, उसको मैं बाद में बताऊंगा, या फिर मॉलिक्यूलर मास के टर्म में निकालें। तो मॉलिक्यूलर मास बेसिकली दो टाइप के हो गए, एक एबनॉर्मल हो गया और एक क्या हो गया, नॉर्मल। नॉर्मल वो है जो अभी आपने निकाला था 58.5 वाला, और एबनॉर्मल वो है जो डिसोसिएशन के बाद बन रहा था। बोलो बात समझ आ गई ना। जब चीज डिसोसिएट हुई तो उसके मास में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, चाहे वो कितना भी आ रहा हो, ठीक है ना। आए ना, ये बात समझ आ गई, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। अच्छा, आपकी एक और बात भी हो सकती है, क्या हो सकती है, पहले एक और बात। जैसे मुझे आई निकालना है तो आई का फॉर्मूला होता है नॉर्मल मोलर मास, ऊपर नॉर्मल 58.5 और नीचे एबनॉर्मल, समझ गया ना। एबनॉर्मल रहेगा नीचे और नॉर्मल रहेगा ऊपर, ये बात समझ में आ गई। अब यहां पर एक पहलू और है, आई के दो फॉर्मेट होते हैं। पहले तो आई समझ में आ गया, क्या होता है, मोलर मास में जो चेंज आता है उनका रेशियो होता है, नॉर्मल ऊपर रहता है, चेंज वाला नीचे रहता है, एबनॉर्मल बोलते हैं, एबनॉर्मल नीचे रहता है, ठीक है। ये इन द टर्म ऑफ द मोल फ्रैक्शन मॉलिक्यूलर मास बताया है, कॉलिगेटेड प्रॉपर्टी में इस बात को पलट देते हैं, लेकिन अभी मैं उसको बता नहीं रहा हूं, बाद में बात करेंगे। पहले इतना क्लियर हो गया, हाँ ना। अब जैसे एस्टिक एसिड है, अब एस्टिक एसिड को मैंने पानी मिलाया तो वो पानी जाने पर क्या करता है, वो डाइमर बना लेता है, मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, बात समझ आएगा, डिसोसिएशन होगा, डाइमर बन जाएगा। अब किसी ने डाइमर बना लिया, डाइमर का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल आपस जुड़ के नए बॉन्ड बनाए, आपस में जुड़ गए, जुड़ गए तो उनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया, बढ़ गया तो वो क्या कहलाया, एबनॉर्मल। नॉर्मल तो जो भी था वो था, अब वो जुड़ गए तो उनका बढ़ गया। अब वो क्या सारे मॉलिक्यूल जुड़ गए, नहीं, कुछ जुड़े होंगे कुछ नहीं जुड़े होंगे, तो इसका मतलब है एबनॉर्मल और नॉर्मल हिस्सा बन जाएगा। तो हम इसमें भी नॉर्मल ऊपर रखेंगे और एबनॉर्मल नीचे रहेगा, हमेशा नॉर्मल मोलर मास ऊपर रहता है। तो आई का जो एक पहला फॉर्मूला बनता है वो बनता है आई इक्वल टू, ध्यान समझिए मैंने क्या किया, सारी बातें जुड़ जाएंगी, वो सब इसी में जुड़ के आ जाएगा, ध्यान समझिए, आई इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है भाई। एबनॉर्मल मास चाहे एसोसिएशन हो रहा हो या डिसोसिएशन हो रहा हो, एसोसिएशन मतलब चाहे जुड़ के मास बढ़ रहा हो, डिसोसिएशन मतलब चाहे टूट के मास घट रहा हो, वो रहेगा एबनॉर्मल। बोलो क्लियर। अच्छा, अब देखो आपको एक खेल दिखाते हैं, अगर मुझे ये निकालना है तो इसका तरीका क्या है, पहले एक्चुअल तरीका समझना, फिर इस बात पे पहुंचेंगे कि ये आया कहां से। बुक में ये तो लिखा हुआ है लेकिन ये नहीं लिखा कि क्यों लिखा है, ठीक है, तो अब वो समझा रहा हूं मैं आपको। मान लीजिए नमक की बात चल रही थी तो नमक का नॉर्मल मोलर मास तो मैं निकाल ही दूंगा, चाहे सवाल में कुछ भी नमक बोल तो मैं निकाल दूंगा, बोलो हाँ है ना, तो नॉर्मल पता चल जाएगा। अब आपको सपोज टीबी का केस चल रहा है, ये वाला केस चल रहा है, तो इस केस में क्या करना होता है, समझना ध्यान से, पहले हम सवाल लगाएंगे, पूरी बात खत्म हो जाए आपको बात समझ में आ जाएगी, तब तक बीच में मैं बोल रहा हूं। टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू बी, ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, और हमें नॉर्मल मोलर मास पता है। अब हम इसमें ये वाली वैल्यू गिवन होगी, ये गिवन होगी, ये गिवन होगी, ये तो होता ही है, और ये भी गिवन होगा, और ये निकलेगा मुझसे, हम क्या निकालेंगे इनमें, ये निकालेंगे, ठीक है। और ये जो निकलेगा मोलर मास ये कैसा होगा, एबनॉर्मल निकलेगा, एबनॉर्मल निकलेगा, फिर ये एबनॉर्मल यहां रखा जाएगा और डिवाइड करके आई निकलेगा, क्या बात समझ में आ गई। ये इसका एक्चुअल प्रोसीजर है कि हम नॉर्मल अपना निकाल लेते हैं, फिर जो वैल्यू गिवन होती है उससे हम एबनॉर्मल निकालते हैं, भाग लगाते हैं, आई निकालते हैं। मैंने क्या किया, मैंने क्या, मतलब बुकों ने भी यही किया है, मैंने कुछ नया नहीं किया उसमें, मैंने ये किया कि यहां से इस फॉर्मूले से, ये बात पहले समझ में आ गई, अब ध्यान समझना, ये एक्चुअल प्रोसीजर है, तरीके से तो ऐसे करना चाहिए। अगर मैं यहां से एबनॉर्मल मोलर मास की वैल्यू निकालू तो नॉर्मल अपॉन आई बनेगा, हाँ है ना, मैं लिख देता हूं एबनॉर्मल इक्वल टू नॉर्मल अपॉन आई, बोलो हाँ है ना, बनेगा कि नहीं। और ये एबनॉर्मल मोलर मास होता है, अगर मैं ये वैल्यू यहां रख दूं तो क्या हो जाएगा, नौ, देखो अगर ये वाली वैल्यू मैं यहां रख दूं तो क्या बनेगा, डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन नॉर्मल अपॉन आई इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए, ये आई यहां से कहां चला जाएगा, ऊपर, देखो अब ये फिर से नॉर्मल हो गया, मतलब हमारा पुराने वाला फॉर्मूला बन गया, ये वही वही का वही है, आई का इंट्रोडक्शन हो गया, कैसे हो गया। तो जो दो स्टेप में हम काम कर रहे थे, वैल्यू पुट करके हमने उसको एक स्टेप में कर दिया, सब में आई ठोक दिया, चार सवाल खत्म हो गए हमारे, क्या ये बात समझ आई मैंने क्या किया, हाँ है ना।
अदरवाइज बाउंड फैक्टर को हम दो बार में पढ़ते हैं। अभी मुझे इसमें और भी पढ़ाना है, मतलब अभी खत्म नहीं हुआ, मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन किया इसका कि ये है क्या चक्कर। लेकिन ये तो एबनॉर्मल मास है ना यहाँ पर, नीचे यहाँ पर ना, तो एबनॉर्मल मास, ये पहले समझो ये एबनॉर्मल निकलता है, ये बात समझ आ गई। और आई का फॉर्मूला ये होता है, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं इसको यहां ले जाऊं तो एबनॉर्मल मोल मास इक्वल टू नॉर्मल अपॉन आई हो जाएगा। और यहां पे मास कौन सा, एबनॉर्मल है, और ये भी किसका किसके बराबर आ रहा है, एबनॉर्मल के बराबर, तो मैं वैल्यू पुट नहीं कर सकता यहां पर। एबनॉर्मल इक्वल टू नॉर्मल अपॉन आई, इसको उठा के अगर मैं यहां रख दूं, एबी से एबनॉर्मल समझ पा रहे हो, है ना, एबनॉर्मल एमबी बोलो ठीक, और ये नॉर्मल एमबी मतलब एमबी है ना, एमबी बोलो क्लियर। अब इस ये भी एबनॉर्मल है, यहां पे मैं एबी, इनको समझाने के लिए मैं यहां पे एबी लिख रहा हूं, मान लो ये, तो अब मैं इस वाले की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, तो क्या आएगा एमबी, यहां पर क्या आ जाएगा, यहां एमबी आएगा और आई ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, हाँ है ना। और ये वाला फॉर्मूला देखो, अगर मैं आई हटा दूं तो ये वाला फॉर्मूला तो पहले भी पढ़ चुके हो ना, सवाल लगाए हैं ना इसमें, तो मैंने इसमें आई का तो मल्टीप्लाई करवाया, अभी नहीं समझ में आया पक्का ना, नहीं यार दोबारा पूछ लो, समझ गया ना। देखो मैंने आपको क्या बोला था, मैं कुछ नया नहीं करवाऊंगा, मैं आपको सिर्फ एक एक मल्टीप्लाई करवाऊंगा, जो एक ही घोरा आई निकालना है, आई को इंट्रोडक्शन कर दो, आई वही गुजर दो, बीच में सवाल में आ जाए आराम से, क्लियर, हाँ है ना। प्रैक्टिस कॉपी में ना बुढ़िया, नोट्स कॉपी मत लिखो कुछ भी, एक शब्द मत लिखो, सारा लिखवाऊंगा ठीक है। कल मैं आपको इसमें और पढ़ाऊंगा कि एसोसिएशन क्या होता है, डिसोसिएशन क्या होता है, और के ए क्या होता है, अल्फा क्या होता है, खत्म। नोट कर लीजिएगा इसको, और आज की क्लास ओवर भाई।